ज्ञानवापी और भोपाल जामा मस्जिद को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश का ध्यान भटकाने के लिए ये सब हो रहा है, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए सब किया जा रहा है। गुना शिकार मामले पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वीडी शर्मा तो मेरा किला तोड़वाने वाले थे, जितने दावे बीजेपी नेताओं ने किए वो सब झूठे निकले, उन्होंने कहा। तो दिग्विजय सिंह, जिनकी प्रतिक्रिया का इंतजार था, चाहे वो ज्ञानवापी मामला हो या फिर मामला हो भोपाल की जामा मस्जिद का, ऐसे में उन्होंने कहा कि ये सब देश का ध्यान भटकाने की कोशिश है और इसलिए ये सब किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने गुना शिकार मामले पर भी बोला है। उन्होंने कहा कि मेरा किला तोड़वाने वाले थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या हुआ, बीजेपी नेताओं के सारे वादे झूठे हैं। इस देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उससे ध्यान बांटने के लिए भाजपा सब करा रही है। इनसे पूछो भाई, महंगाई बढ़ रही है तो कहते हैं जय सियाराम, बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है तो हिंदू मुसलमान, फिर कहते हैं कि साहब रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, कहता है कब्रिस्तान शमशान। ये तो केवल लोगों को गुमराह करने में लगे। बात ये शुरुआत की थी डॉक्टर बी डी शर्मा ने, वो तो हमारे किले पे बुलडोजर चलाना चाहते थे। अब जो सामने बातें आई हैं, झूठी पिक्चर पोस्ट की जा रही है, जिसका इनकाउंटर हो गया उसके नाम पर जो जिंदा है उसके उसकी फोटो लगाई जा रही है। दूसरे एक और प्रकरण हुआ जिसके अंदर बताया गया कि इसका इनकाउंटर हुआ, वो भी कहा कि दूसरा है। झूठा फेक कराने के लिए ये पूरा सब कर रहे हैं। जो कुछ हुआ है बहुत ही विभत्स घटना है, पुलिस के 3 लोगों की हत्या की गई है, इसके हम निंदा करते हैं और जितने भी अपराधियों ने कठोर सजा मिलनी चाहिए।